नज़र बद से मुतल लोगों के मुख्तु ख़देश हैं दौरे हाजिर में लोगों के साथ होने वाले मुख्तफ हादसा जो होते हैं वो उन्हें दुनियावी मामला में ले लेते हैं लेकिन नज़र बद के ऊपर लोगों का कुछ लोगों को तो यकीन नहीं होता और जिनको होता है तो वो कहते हैं कि शायद नहीं है कोई इंसान कैसे ये महसूस करे या उसको पता चल जाए कि ये नज़रबद का मामला है बाज़ हमारी एक नावाकफियत है बाज़ात से पहले एक लफ्ज़ कहूँगा उसमें नावाकफियत कहूंगा कि लोग कहते हैं ये अंग्रेजों को नजरबाद जादू जिन्नात असरात नहीं होते हमें हो जाते हैं हाँ जी ये नावाकफियत है मैंने अंग्रेजों की सैकड़ों ऐसी किताबें जमा की हैं अपनी अपरी की साइट पर कि अंग्रेज के साथ नजरबाद जादू जन्नात हुआ और फिर उस बेचारे का क्या बेड़ा गर्क हुआ और उसके बाद फिर उसने क्या हल किया आप हैरान होंगे कि नजरबाद हमसे ज्यादा अंग्रेज मानता है अच्छा और अपनी पूरी किताबों की किताबें इवलाई बेड आई पे लिखी हैं किताबों की किताबें अच्छा वो बकायदा इलाज करते हैं बहुत ज्यादा है उसका क्या हल करते हैं वो अपने तौर पे क्या हल करते हैं लेकिन बद का एक बेहतरीन आपने अरब के अंदर एक चीज देखी होगी और एक खूबी है क्योंकि अरब अम्ब्या सहाबा आहलैद की औलाद है उन्हें बहुत खूबी है वो एक चीज होगी कोई भी चीज देखेंगे कहेंगे माशा तबारा कल्ला माशाला तबारा कल्ला माशा से मुराद यह कि अल्लाह की हिफाजत में रहे तबारा कल्ला से मुराद है अल्लाह इसमें और बरकत है जब बंदा ये लफ्ज पढ़ता है तो एक तो नजरे बद बच से बचता है और दूसरा बरकत की दुआ मिल जाती है और क्या पता माशाला तबारकल्ला कहने वाला अल्लाह की बारगाह में कितना अजीम है कितना पहुंचा हुआ है कितना करीब है और उसकी दुआओं पे फरिश्ते कितने आमीन कहते हैं दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप नजर बद से बचना चाहते हैं और वाक़ा बचना चाहते हैं तो एक बार आयतल कुर्सी पढ़े और जब उसकी आखिरी आयत है वाला तो हिफ्स हम ये अज़ीम तक इस आयत को एक सौ एक बार दोहराएं तो एक सौ एक बार दोहराएं तो और अपनी उस मतलूब चीज़ का तस्वर करके दम कर लें यह रोज़ कर लें सुबह शाम कर लें अच्छा ये तो हमने नजर बद का जिक्र किया बात ऐसा होता है कि की नजर जो है वो अपने बच्चों को लग जाती है वो हसद की तो नहीं होती तो उसके लिए भी फिर यही अमल यही अमल। है। जब भी बच्चे को देखें, माशा तबारा कल्ला पढ़े गाड़ी है घर है कोई महबूब चीज है और एक और दुआ भी है ये पढ़ सकते हैं और एक और चीज भी है लामा कहते हैं उल्लू को इसके कई माने हैं एक माना लामा के की उल्लू की आंख भी है कि उल्लू क्योंकि उल्लू हमेशा वीरानों में रहता है और उल्लू की नज़र बहुत खतरनाक होती है इसलिए हदीस मुबारक में यह दुआ भी नजरबाद के लिए जबरदस्त चीज है आपने अक्सर मैंने सुना है आप बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद से ये बता सकते हैं कि हमारी जो नजर है वो लग जाती है और उसके लिए आपने एक दो वाक़ात भी बताएं तो किसी शख्स को अगर मालूम हो कि मेरी नज़र लग जाती है और वो नीयत ना रखता हो ऐसी बाज़ात हम हम अपने रिश्तेदारों में बहन भाइयों में ये आम तौर पे कहते हैं कि फ़लाँ की नज़र जो है बहुत जल्दी लगती है तो ऐसा शख्स जो सोचता हो कि मेरी नज़र लग जाती है लेकिन उसका इंटेंट ना हो ये तो उसके लिए क्या रहना वो वज़ू करे किसी थाल में या अच्छा। किसी बर्तन में वज़ू का पानी अपने सर के पीछे से फेंक दे और ये अमल हदीस मुबारक में मौजूद है अच्छा मुसलसल करना हाँ चंद बार ऐसा करे और इस बात के तोड़ने के लिए कि मेरी नज़र टूट जाए एक दूसरी चीज़ यह है कि अपनी आँखों पर ऐसे हाथ रखें और हाथ रख के करे अल्लाह नूर समावत वाला मौला इसमें शर की कैफियत है इसमें राहत रहमत और आफियत की कैफियत में इसमें नूर भर दे सिर्फ ग्यारह बार हर नमाज के बाद या सुबह शाम कुछ असर लगातार करे उसके अंदर से जो शर की कैफियत वो खैर में बदल जाएगी एक चीज और भी है इसके लिए सफेद रंग की जो मिठाई है मखाने हैं अच्छा सफेद रसगुल्ले गुलाब जामुन है हाँ। मिश्री है खीर है दूध है सफेद रंग की चीज को खाए भी देखे भी बांटे भी अच्छा क्योंकि घरों में चीनी आसानी से दस्तियाब होती है वाइट भी है मीठा भी है हाँ इससे भी कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं खीर खीर है सफेद रसगुल्ले गुलाब जामुन है आसानी से मुजसर है वो मखाने होते हैं कुछ चीज़ें होती हैं ये थोड़ा सा खाए भी सही इनको देखे भी सही अच्छा। पर इनको बांटे भी सही और आ, आप फरमाते हैं कि जिन्त की नज़र भी इंसानों को लगती है तो ये क्या मामला है जिन्त किसी इंसान को नज़र क्यों लगाते होंगे और अगर अगर किसी इंसान को ये फ़र्क करना हो कि मुझे जो नज़र लगी है ये किसी जिन की है या फिर किसी इंसान की है तो उसके लिए फिर आप क्या रहनमाई करेंगे देखिए गुस्सा आग है इंतकाम कीना बुक्स असल आग है जो अंदर भड़क रही है शहवत आग है आग है और इंसान तो मिट्टी से बना है उसके अंदर थोड़ी सी आग रखी है अल्लाह ने और जो सौरा आग से ही बना है जिन तो उसके अंदर आग कितनी होगी वो आग खूबसूरत चीजों को दिलपसंद चीजों पर लगती है वो मर्द हों या औरतें हों और तौर पर ख़वातीन के खुले बाल खुला जिसम इनको जिन्नात की आग बहुत पसंद करती है अच्छा। और खुले बालों के साथ जिन्नात झूलते हैं इसके वाकयात दर वाकियात है और अगर मेरी बात किसी को समझ ना आए अंग्रेज की दुनिया को उठा के देख ले गोरे ने इस पर किताबें लिखी हैं गोरे ने अपने मुशाहिदात लिखे हैं और वाकयात लिखे हैं तो जितना देखें तीन चीजें ढांकने की हैं रिस्क, रिस्क दौलत औरत अच्छा ये आ, क्या नज़र इस तरह से भी लग जाती है आज कल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो अक्सर जो लोग हैं वो अपनी तस्वीर अपनी एक्टिविटी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत प्रोमिनट करते हैं फिज़िकली वहाँ मौजूद नहीं होते लेकिन जो आ, उनके सर्कल के लोग होते हैं वो देखते हैं तो आप फिर मना फरमाते हैं ऐसी चीज़ों से कि ना लगाया करें लोग क्योंकि देखिए कोई ज़रूरी चीज़ है लगाना कोई हर्ज नहीं हाँ लेकिन सारा दिन गैर ज़रूरी चीज़ें लोगों की नज़रों में आना अमूमन लोग तो अब कहीं अच्छी जगह से खाना खाएं तो वो भी तस्वीर बना के लगा मैं कहता तो मुनासिब नहीं बल्कि खाने के बारे में मेरी अक्सर एक पुकार है वो ये है कि खाने को ढांक के लाएं। पहले दौर था अच्छा। कपड़े के थैले या चटाइयों के बने हुए टोकरियाँ होती थी उसमें घर का सामान लाया जाता था और वो नंगी चीजों को जिन्नात की नज़र एक हसरत की नज़र वो लोग जो नहीं ले सकते इतनी कीमती चीजें वो हसरत की नज़र खा जाती है हसरत की नज़र खा जाती है लफ्स गौर कीजिएगा हसरत की नज़र हसरत की नजर।, नजर। इसलिए मेरे आका ने फरमाया अपने घर के धुएं से लोगों को तकलीफ ना दो मफहूम है कोई चीज़ पकाओ पड़ोसी को तकलीफ हो जाए वो उस उसकी इस्तेदादी ना हो तो चीज़ों को ढांकना असल है एहतियात से चलना असल है वरना इतनी बीमारियाँ ना फैलती नजर को मैं समझता हूँ जादू जिन्नात को जिसने समझना हो ना और वह कहते हैं मैं चार जमातें पढ़ा हुआ हूँ और ये पत्थर की दौर के बातें हैं वो गोरे को नज़र से पढ़े कि गोरा नज़र में कितना आगे निकल गया है और जादू जिन्नात के मानने में आप हमजात क्या चीज़ है इसके बारे में आप अक्सर बताते हैं और ये हमजात जो है वो क्या इंसान की कोई दूसरी ज़ात है इंसान के अंदर मौजूद है ये क्या है हमजात असल ये लफ्ज़ था हम जात अच्छा हम जात हम जात मेरी जात का हाँ जी ठीक है ये बन गया हम जाद हम हमजात बुनियादी तौर पे जो हमारे अंदर हर इंसान के साथ एक जिन अल्लाह ने रखा है जिसको हम शैतान कहते हैं हर इंसान के साथ अम्बिया के अलावा अम्बिया मासूम है और हजू सरवर कौन सल्लाम खातमनबीन हर इंसान के साथ रखा है कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उसको ताबे करने की कोशिश करते हैं अच्छा याद रखिएगा इंसान भी गुलाम नहीं बनना चाहता तो जिन कैसे गुलाम बनना चाहेगा अच्छा उसको ताबे करने के जी पीछे जी मकासद क्या होते हैं देखिए अब आप हम बैठे हैं ना जी जी आपका साया पड़ रहा है ये जो साया है ये हमजाद है अच्छा साया है ये हमजाद है इसको ताबे करके इससे काम लेने की कि मैं फला चीज़ ले आओ फला चीज ले आओ फला चीज़ ले आओ मुझे उड़ा के वहां ले जाओ मुझे वगैरह वगैरह वो ऐसे काम जिनका ताल्लुक अमूमी जिंदगी से नहीं है सही। यह हमजात है फिर इसको ताबे करने के लिए बहुत कोशिश है मसलन मैं एक अमल बताता हूँ। एक बड़ा सा बर्तन ले लें जिसमें कम से कम दस किलो तेल आ जाए और उसका चराग बनाए अच्छा और उसके अंदर बड़ी सी बत्ती डालें चराग सामने रखें आप सामने बैठे आपका साया पड़ेगा ऐसे अंदाज से आपका साया और आप अपने साय को देखें और एक अमल पढ़े वो कहते हैं कुछ अर्से के बाद आपका साया बोलेगा कि बोले आप क्या चाहते हैं अच्छा यहां लेकिन कर... लेकिन मैं आपको बात बताऊं आप में से परिंदा भी कैद नहीं होना चाहता आप कहते हैं जिन कैद हो जाए और वाकयात हैं अगर किसी ने हमजाद का कोई अमल लिया भी है मेरे पास आए हैं और वह कैद हो भी गया है उसने जिंदगी को उजाड़ और बर्बाद कर दिया एक आम तसर है लोग ये कहते हैं कि तारक साहब के पास जिन्नात हैं इसमें कोई हकीकत है या ये महज लोगों के लिए की गलत फहमी है।, है जिन है एक सामने बैठा हुआ है अच्छा आप बैठे हैं जिन तो है हाँ जी अल्लाह ने आपको कितनी सिफात सलाहती जिन्ती सिफा सलाहित दी हैं माशा बड़े काम कर रहे हैं हाँ। एक तो ये सामने बैठा है सही देखिए गुजारिश ही है ना मेरे पास जिन्नात का वादा है ना दावा है जी ना कश का वादा है कि मैं आंखें बंद करता हूँ मदीना मनवरा पहुँच जाता हूँ ना मुझे कश होता है ना जन्नत नहीं ऐसा नहीं नहीं, तो ये महज लोगों की गलत फहमी है क्योंकि मैं इसलिए इसको क्लियर करना चाह रहा था कि लोग कमेंट सेक्शन में अक्सर लिख रहे होते हैं आपने भी जिक्र किया कि बालों का खवातीन के और नाखून के ऊपर तो ये जो हम नाखून काट के फेंकते हैं क्योंकि भी हम बात करें तो नज़र लगने की और जादू जिनात की तो क्या जादू का अमल इन नाखून के जरिए होता है या वैसे आप मना फरमाते हैं कि का, मत काट के फेंका करें ये सफ़ाई के अमल के लिए होता है या इससे किसी किस्म का इंसान को नुकसान पहुँचा जिसम के जो बाल हैं ना खास तौर पर सर के बाल या मर्दों के दाढ़ी के बाल इनके बारे में अमूमा ये है कि इन बालों को इन बालों पर जादू होता है सरवर कौन सली व्म के ऊपर जब जादू हुआ था उसमें भी बालों का अंसर मौजूद है अच्छा इनको दबाया जाए और मैं एक अमल बताया करता हूं कहें तो मैं बालों का एक अमल बता दू यह अमल हर हफ्ते और मंगल के दिन का अमल है अच्छा ठीक है आप सर पे कंगी करें करें उस वक्त जब सूरज नाहर पे हो दिन के बारह के बाद और बजे के सही। जितने बाल भी आपके पास आए आपके हाथ में आए बाएं हाथ की उंगली पे उसको लपेटते जाएं और या माने पढ़ते जाएं या माने सिर्फ चालीस बार पढ़ना है बाल जितने भी हों फिर या चालीस दफा पूरा नहीं हो आप खोल के फिर बा... उसको लपेटना शुरू कर देना दे। 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 तकलीफ को किसी, 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 किसी हासियत को किसी दुश्मन को मना कर दे जबरदस्त अमल है हर मंगल और हफ्ते के दिन यह अमल करे कुछ अरसा करें उन बालों को दबा दे दूसरा आपके हाथ पों के जो नाखुन है जिंदगी के साथ बड़ा ताल्लुक है अच्छा आप हाथ पाओ के नाखून काटें उसे सफेद कपड़े सफेद कागज या सफेद टिशू में लपेट के सामने रख लें और सिर्फ एक पढ़ें तीन बार पाक के साथ इन्ना इन्ना अच्छा। और यह तस्वर करें कि मेरी हर बीमारी मर गई हर तकलीफ खत्म हो गई हर जादू हर असरात हर बंदिश हर नाकामी हर जिंदगी की मेरी नाकामियां खत्म हो गई पूरी नाकामिया मुश्किल मसायल का सख्त तस्वर करते हुए सिर्फ एक तस्वीर पढ़े नाखून हफ्ते के बाद काटे पंद्रह दिन के बाद काटे और फिर उनके बाद उसको कहीं मिट्टी में दबा दें अगले सवाल से पहले नाखून के बारे में एक बात अर्ज करूँगा जो शख्स ये चाहता है कि हर वक्त तबाही मेरा मुकद्दर रहे नाकामियां मेरा मुकद्दर रहे बलाएं आफात मुसीबतें फखबत कर्जे बीमारियां झगड़े तकलीफें मेरे साथ रहें वो पाओं के नाखून बहुत बढ़ाए आप महसूस करेंगे अच्छा। पाओ के जूते में जुराबों में होता है नजर नहीं आता पाँव के नाखून अक्सर बढ़े हुए होते हैं हाथ चूके मशरे में नजर आता है हाँ तो हम उसको पाँव के नाखून ना बढ़ने दें जिस तरह हाथों के नाखून पे नजर रखते हैं इस तरह पाँव के नाखून पे भी आप नजर रखिए